हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे मामा जी के घर और फिर सब अपने अपने आज यहाँ पे अपना आराम फरमा रहे हैं और फिर यहाँ पे मामा जी मामी जी बहुत अच्छे से रूम्स को सजाए हैं और फिर मैं यहाँ पे बेबी दोनों का मूवमेंट फील कर रही हूँ। मैं जब भी बैठे रहती हूँ अकेले ही ये मूवमेंट फील करना ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और फिर मैं हमेशा पकड़े रहती हूँ अपने पेट को। जब भी मैं सोए रहती हूँ या फिर मैं बैठे रहती हूँ खाली पे ना, तो फिर मेरा हाथ पे रहता है। तो अब मैं चली लंच करने मामी जी बहुत सारा डिश बनाई हुई है और फिर मैं खाने जा रही हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। वीडियो पे बने रहे और फिर अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और फिर चलिए वीडियो पे बने रहें। मामी जी अकेले से ये सब सारा चीज़ बनाई और वो सुबह से लगी हुई थी क्योंकि उनको हम लोग बताया थे कि हम लोग आने वाले हैं, तो फिर बहुत सारा चीज़ बना के रखी हुई थी और बहुत टेस्टी लग रहा था। तो फिर मेरा अब तीसरा तिमाही पहुंच गया है, यानी कि मेरा 7th मंथ चल रहा है और फिर मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ और फिर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही होगा। मेरे थाली पे है आलू भाजा, पटल भाजा, बैंगन भाजा, इतना सारा बनाई थी ना, और फिर मछली करी और ऊपर से फ्राई वाला मछली और फिर आम का चटनी बनाई थी, वो भी बहुत टेस्टी लग रहा था। और फिर मैं दो तरह का आलू चौका भी बनाई थी, एक फ्राई वाला और एक ऐसे ही सिंपल सा बनाई थी, और फिर मैं तो मतलब देख के हैरान हो गई थी। वो रही दीदा और फिर बाद में हम लोग सबको ही साथ में लंच कर रहे हैं क्योंकि साथ में लंच करना बहुत ही मज़ा आता है ना बातें करते करते, तो फिर हम लोग साथ पर लंच कर रहे हैं। ये है मामा जी का लाडला। अब हुआ शाम और फिर शाम को हम लोग घूमने निकले हम लोग डिज्नीलैंड, और फिर डिज्नीलैंड बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। हम लोग सबको ऐड हुए रहेंगे और हम लोग अभी आए हैं डिज्नी। अब आगे देखो ये रहा 3 बापूजी के बंदर। ये मैं हूँ और फिर ये मेरे बेबीज हैं और फिर हम लोग सबको घूमने आए हैं। अब हम लोग अंदर एंट्री हो चुके हैं और फिर मुझे ये क्या देखने मिल रहा है, इतना सस्ता में मिल रहा था ना, ट्रैक सूट हुआ, टॉप हुआ, वो नाइट ड्रेस हुआ, लूज टी शर्ट हुआ। तो फिर चलिए हम लोग ये लूज टी शर्ट देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो फिर घर के लिए सही रहेगा। और वो रहा फायर फान मैं PMO में फर्स्ट टाइम खाई थी और फिर मुझे बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन बट मज़ा भी आया। यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस आई थी और फिर बाद में मैं अभी तो फिलहाल पहन नहीं सकती हूँ, तो फिर बाद में मैं कुछ कुछ ही ली और फिर कुछ कुछ नहीं ली क्योंकि मुझे पसंद आया लेकिन मैं नहीं ली। और फिर ये रहा यहाँ पे ट्रैक सूट 160 का, और फिर ये मुझे लेने मन कर रहा था लेकिन अभी मेरा बेली पेट ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर मैं नहीं ली। शर्ट लिया ये जो लॉन्ग वाला है, ले लिए हैं हम लोग, और शॉर्ट वाला भी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन मैं पहले ही ले चुकी थी। ले लो, निशाना किसका अच्छा रहेगा? आ तो फूट गया, फूट गया तेरा? मेरा भी। मुझे डिज्नीलैंड में ना सबसे बेस्ट ना यही झूला लगा, और फिर मुझे बैठने मन कर रहा था लेकिन मैं नहीं बैठी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हुआ। और फिर बाद में मुझे ना देख के ही इतनी खुशी हो रही थी, मैं सोच रही थी अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो फिर मैं भी बैठ के इंजॉय कर लेती, तो फिर मैं आज देख के ही इंजॉय की। तो आज का सब ब्लॉग बस इतना ही, और फिर हम लोगों ने डिज्नीलैंड में बहुत मज़े किए और फिर हम लोग पहुंच गए हैं घर वापस। और हम लोग सबसे पहले देखते हैं दबंग को क्या कर रहा है। दबंग 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 दो तीन दबंग क्या हुआ दबंग को? मामा जी बिरयानी भी लेके आए थे तो मैं बिरयानी के साथ खाना खा रही हूँ। और फिर हम लोग मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, और फिर मैं खीर भी साथ में खा रही हूँ, खीर बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और फिर मैं मम्मी जी का भी खीर खा ली हूँ अब मैं ही, क्योंकि मम्मी नहीं खाई। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, बाय।